हेलो एवरीबॉडी, गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल अवियन। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक डेडली कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजीज़ का। जैसा कि आपको पता है, मैं टेस्टिंग करता रहता हूँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, टेस्ट करता रहता हूँ, चेक करता रहता हूँ कि क्या आपके लिए बेटर हो सकता है और कैसे मैं आपको आसान भाषा में उसको समझा पाऊँगा या समझा सकता हूँ। और वही चीज़ आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद स्ट्रैटेजी की वीडियो आ रही है, देखने से पहले लाइक कर दो यार। और वीडियो है, बहुत लंबी नहीं जाएगी, छोटी वीडियो होगी, तो पूरी देखना वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं पैराबोलिक सार प्लस एमएसीडी के डेडली कॉम्बिनेशन का। तो एमएसीडी की बात करते हैं, तो जल्दी से स्ट्रैटेजी पे आते हैं। आप अभी मेरे लाइव अकाउंट में लॉग इन हो, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वेब स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर आप लाइव अकाउंट में मेरे लॉग इन हो। $8,143 का बैलेंस आप अभी लाइव देख पा रहे होंगे। तो यार गाइज, आज हम कुछ की पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं जो मेजरली लोग गलती करते हैं वाइल ट्रेडिंग, तो वो भी चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे स्ट्रैटेजी की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करना क्या है, आपको पैराबोलिक को ले लेना है, यानी एनेबल कर लेना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, पैराबोलिक पे जाना है, और इसमें आपको 0.02 स्टैंडर्ड डेविएशन सेट कर लेना है। कलर आप चाहे जो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको जाना है एमएसीडी पे, यहाँ पे आपको ग्रीन लेना है 714 एंड आपको रेड लेना है यानी ऑरेंज कलर लेना है 5। दैट्स इट, इतनी चीजें आपको करनी है और उसके बाद आपका ये इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो अभी आप देखेंगे कुछ ट्रेड्स जो है मैंने प्लेस की थी, कुछ चीजें आप देखेंगे पहले प्लेस की थी स्ट्रैटेजी से, काफी अच्छी चीजें वर्कआउट हो रही है। काफी दिनों से कोशिश कर रहा हूं इस स्ट्रैटेजी को यूज करने में, परफेक्ट करने में, कि क्या बेटर चीजें हो सकती हैं अबाउट विद दिस स्ट्रैटेजी। एक चीज़ और मैं पहले ही आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है आफ्टर दिस वीडियो, आप भी अगर ये स्ट्रैटेजी ओनली यूज़ करते हैं, खुद यूज़ करते हैं, स्ट्रैटजी नहीं वर्क करती है समहाउ किसी पॉइंट पे जाके, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रैटजी बेकार है या मेहनत ख़राब है जो मैंने की है आप लोगों के लिए, या फिर चीज़ें मतलब गलत है कुछ भी यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। एक्चुअली क्या होता है, समटाइम्स ना मार्केट जो है वो सपोर्ट नहीं करता है स्ट्रैटजी को, लेकिन जब सपोर्ट करता है ना उस दिन आप बहुत अच्छा विन करोगे यहाँ से, लेकिन जब सपोर्ट नहीं करेगा तो आप यहाँ पे विन नहीं करोगे। तो आपको करना क्या है, हमेशा से कहता हूँ, आप स्ट्रैटजीज जो है चेक करो यूज़ करके, अगर वर्क करती है आपकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आपने अप्लाई कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है दोस्त, लेकिन अगर नहीं करती है तो आप स्ट्रैटेजी स्विच कर लो। देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज, लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज आई ऑलरेडी टोल्ड यू विद द हेल्प ऑफ द वीडियोज़ की मदद से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी जो नॉलेज है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो देखिए कैसे स्ट्रैटेजी वर्कआउट करती है, सारी की सारी चीज़ें ना इस एमएसीडी के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करती है। देखिए एमएसीडी जो है ना, ये येलो कलर की लाइन देख रहे हैं आप, एक माउंटेन सा देख रहे हैं आप, एक्चुअली सारी की सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। कैसे, देखिए अगर ये बेस लाइन यानी ये जीरो पे, ये जो जीरो लाइन है इस लाइन से अगर ये ऊपर रहती है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इसने एंगल बना के डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ट्रेंड लिया है, लेकिन जब तक ये ऊपर रहेगा, ये जो इस लाइन से ऊपर रहेगा, इसका मतलब आपको एक मिनट की ट्रेड आप अगर नीचे की डायरेक्शन में प्लेस करते हो तो बिल्कुल भी आपके लिए सेफ़ नहीं है। विन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, मतलब सेफ़ नहीं मानी जाएगी वो ट्रेड, ठीक है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है, अपनी जो है प्रैक्टिस से और अपनी जो टेस्टिंग है उससे। अब ये पैराबोलिक सार कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, तो पैराबोलिक सार जो है एज अ डबल कन्फर्मेशन हम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे ये पैराबोलिक सार ने इंडिकेशन दिया था डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, आप ये अपवर्ड डायरेक्शन के लिए इंडिकेशन दे रहा है, बट चीज़ें थोड़ी अलग हो रही हैं। नीचे की देखेंगे, तो एक स्लोप बन रहा है नीचे की तरफ यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट अभी भी फिलहाल ये इस पर्टिकुलर जीरो की लाइन से ऊपर है, नीचे नहीं है। अगर ये ऊपर है इसका मतलब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा तो वो सेफ़ नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है। आप सेफ़ इन द सेंस, आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। एक अभी डेमोन्स्ट्रेशन करके देखते हैं। देखिए अभी इस लाइन से ऊपर है, ठीक है, तो अभी मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड लेता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने $1 जो है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने $1 सेलेक्ट कर लिया है एंड मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जो है ट्रेड प्लेस कर दी है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए यहाँ पे मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। अब देखेंगे एक चीज़, ये बिल्कुल इस लाइन के नज़दीक पहुँच गया है, जैसे ही मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस की, जो जीरो लाइन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुँच गया,
देखते हैं कि क्या होता है, और जीरो लाइन को क्रॉस भी कर देगा। अगर ये जीरो लाइन को क्रॉस कर देता है इट मीन्स हमारा जो है ये ट्रेड प्रॉफिट में जाने वाला है, लेकिन अगर नहीं करता तो इसका मतलब थोड़ा सा रिस्क रहेगा इस ट्रेड पे, हारने के भी चांसेस रहेंगे। तो बिल्कुल प्यारी सी स्ट्रैटजी यार गाइज, अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझोगे ना इस स्ट्रैटजी को, आपको पता है यार हमारे चैनल पे ना कोई भी चीज़ ना जब तक बहुत बार टेस्टिंग नहीं कर लो ना, बहुत टाइम बाद ये स्ट्रैटजी की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। टाइम ज़रूर लगा लेकिन मेहनत अप्रिसिएशन के लायक है। आप ज़रूर एक अप्रिसिएशन दोगे मुझे कमेंट करके, मुझे उम्मीद है। टेलीग्राम पर आप बिल्कुल ज्वाइन हो गए होंगे, अगर आप बिल्कुल नए हो तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिप्शन का लिंक जो है समहाउ नहीं वर्क करता है तो टेलीग्राम पे सर्च करो टेक्निकल स्पेस अवी स्पेस फैमिली, और आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। बहुत कुछ चलता है टेलीग्राम पे, मिस मत करो चीज़ें। और एक और चीज़ यार, चैनल पे बिल्कुल नए होना तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, बहुत बहुत हेल्प होगी आप लोगों के लिए। इन फ्यूचर पैसा कैसे कमा सकते हो आप, अलग अलग मल्टीपल वेज मिलेंगे और बहुत कुछ। तो देखो मैंने जैसा कि कहा था, एक मिनट की ट्रेड बिल्कुल सेफ नहीं है। हमारा जो एंट्री पॉइंट था वो लकीली इतना सही था कि हम यहाँ पे विन कर गए, बट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें तो अभी फ़िलहाल सही नहीं है। देखो जैसी अभी मैंने जैसा कि कहा, अगर इस लाइन से ज़ीरो लाइन से नीचे जब तक नहीं जाती है ये येलो कलर की लाइन, तब तक एक मिनट की ट्रेड आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगी। एंड द रिज़ल्ट आर सेम, हम विन ज़रूर किए। क्यों? क्योंकि दैट टाइम ट्रेंड जो था, यानी वो ट्रेंड जो था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, बट नॉट ऑल द टाइम। देखो अब फिर से ये चीज़ें देखो, अब पैराबोलिक सार की कन्फर्मेशन देखोगे आप तो ये अपवर्ड डायरेक्शन को है, ट्रेंड कर रहा है, और मतलब अपवर्ड भी क्या, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं हॉरिजेंटल लाइन पे है। इट मींस देखो पिछले पॉइंट अगले पॉइंट और पिछले पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस इन द सेंस अगर मैं लाइन्स की बात करूँ तो 0.04 पे पिछला पॉइंट है, अगला पॉइंट है 0.02 पे अब पिछला पॉइंट है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके। तो इसका मतलब है अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या डायरेक्शन होने वाला है। और जब तक येलो कलर की लाइन ये नीचे नहीं आ जाती तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट क्या ट्रेंड पे रहेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे अबाउट स्ट्रैटेजी। एक और चीज़ यार आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये देखिए, मेरा जो अकाउंट है कितना भी बड़ा अकाउंट है लेकिन फिर भी मैं एक एक डॉलर्स की ट्रेड लेता हूँ। रीज़न क्या है उसका आपको पता है? उसका रीज़न ये है क्योंकि हर बार ना वर्स्ट के सिनेरियो के लिए तैयार रहूँ। मैं हमेशा से कहता हूँ अगर आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हो ना तो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% का पर डे टारगेट रखो। 8144 का 1% कितना होता है? अभी जस्ट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और उतना टारगेट आपको पर डे रखना है, उससे ज़्यादा नहीं रखना। तो यहाँ पे हमारे पास अभी बैलेंस है 8144। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.01 से, ठीक है? तो अब मेरे पास जो टोटल अमाउंट आ जाता है वो $81 का। देखिए मेरा अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट है पड़ा है, उसके सामने $81 का पर डे प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ठीक है? चिल्लर प्रॉफिट है ये इसके सामने। बट अगर आप ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी बात सुनते हो, अगर आपको लगता है कि अगर आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हो या कमा सकते हो, तो उसका सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका यही है। क्यों? 95% लोग यहाँ से लॉस में चले जाते हैं क्योंकि भैया छोटे टाइम में कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की जो सोच होती है ना वो कई बार काम नहीं करती है। एक बात ध्यान रखना, जब आप 1% का टारगेट लेके चलोगे तो आज 1% का टारगेट लिया है तो कल टोटल अमाउंट में आपका 81 प्लस होगा, देन आपका जो टोटल अमाउंट होगा प्लस 81, उसके साथ उसका 1% आपको नेक्स्ट डे ट्रेड लेना है, फिर जो आपका टोटल अमाउंट होगा उसका 1%। और सोचिए, जस्ट इमेजिन, एक महीने बाद आपका अमाउंट कितना होगा, एटलीस्ट आप लॉस में तो नहीं रहोगे। सबसे बड़ी बात यार, लोग क्या करते हैं ना, ये चीज़ नहीं सोचते कि यहाँ से लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यार एवरी कॉइन ना हैज़ टू फेसेस, लॉस एंड प्रॉफिट दोनों फेसेस होते हैं। आप लॉस भी करोगे इन द सेकंड हैंड, अदर हैंड आप प्रॉफिट भी लेके जाओगे, बट आपको लॉस मिनिमम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। उस तरीके की सोच आपको रखनी है और उस तरीके की स्ट्रैटजीज आपको बनानी है। तो अब हम थोड़ा सा स्ट्रैटजी की तरफ आते हैं। तो अभी देखेंगे यार, ये जो है, एक सेकेंड मैं इसको हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ में बार थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैंने इसको अप्लाई करके हाइड कर दिया है एंड ओके। तो अभी भी हमारा जो है बेस अभी भी नीचे नहीं गया है, तो अभी भी अपवर्ड डायरेक्शन पे ही ट्रेंड है। मैंने अपवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेड ले लिया $1। देखिए क्यों मैंने यहाँ पे देखा ट्रेड ली, देखो सिंपल सी बात है यार, जब आपको ये इस बेस लाइन यानी जीरो लाइन से नीचे नहीं जाता हुआ दिखता ना, और पैराबोलिक सारा आपको कन्फर्मेशन दे रहा है कितनी प्राइस रेंज पे आपको मिल रहा है 14 यानी 417 एंड 411 410,
तो यहाँ पे आपको 7 का प्राइस रेंज का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब है भैया क्लियर इंडिकेशन है मार्केट अपवर्ड ट्रेंड्स पे ही रहेगा। प्लस अगर आप नीचे देखोगे ये येलो कलर का इंडिकेशन आपको क्लियरली मिल रहा है कि कुछ टाइम तक ऊपर ही रहने वाला है। इस क्लियर इंडिकेशन के साथ आपको चलना है। और एक चीज़ मैंने आपको बता दी, अगर ये ऐसी सिचुएशन में हो कि आपका उस बेस लाइन यानी जीरो लाइन से ऊपर होता है तो आप डाउनवर्ड ट्रेड जो है 1 मिनट की लेने से पहले थोड़ा सोचना। मतलब सोचने का मतलब पहले क्या करते थे, आप अतुक्के से ले ली कोई भी ट्रेड और आपको लगता है शायद विन कर जाऊँ या लॉस कर जाऊँ, इस तरीके के केसेस होते थे। बट दिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपको मैं वो कन्फर्मेशन देना चाहता हूँ, आपको मैं ये कन्फर्मेशन देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप जो है 1 मिनट की स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। मुझसे लोग पूछते हैं सर 1 मिनट की स्ट्रैटेजी बताओ, 1 मिनट की स्ट्रैटेजी बताओ, कैसे 1 मिनट की स्ट्रैटेजी वर्क करती है। तो यार उन लोगों को बताना चाहूँगा 1 मिनट की स्ट्रैटेजी यही है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्राइस रेंज, यहाँ पे देखो मुझे अपवर्ड ट्रेंड मिल रहा है, लेकिन अभी मेरे को लगता है ये पिछली ये जो नेक्स्ट कैंडल है ये पूरा ट्रेंड चेंज करेगी। रेड कलर की अगर ये कैंडल बनती है तो सारा ट्रेंड जो है वो चेंज करने वाली है, क्योंकि अगर ये देखो अभी भी बेस लाइन से ऊपर है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेना खतरे से खाली नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं हम, तो मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में एक ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है $1 की। देखिए तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं ना हम, तो हमारे जीतने के चांसेस ऐसे केसेस में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर ऐसा ट्रेंड चल रहा है ना आपका, आपका येलो कलर का जो लाइन है, येलो कलर का जो माउंटेन है वो आपका बेस लाइन यानी ज़ीरो लाइन से ऊपर है, तो इट विल बी ये तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं इस केस में प्रॉफिट लेने के फ्रॉम दिस सिनेरियो। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है अभी देखेंगे आप किस तरीके से जो है, हमारे पास 30 सेकेंड्स हैं, नेक्स्ट कैंडल पूरी ग्रीन बनी है और हमारी हक में जा रहा है अभी फ़िलहाल चीज़ें, और आपके हक में जाएंगी क्योंकि भैया स्ट्रैटेजी पे बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है एंड सीरियसली मेहनत वर्थ भी है आप लोगों के लिए। और मेहनत वर्थ तभी होती है, मतलब आप जब मेहनत करते हो और वो चीज़ें काम आती हैं किसी के, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वही चीज़ सक्सेसफुल कहलाती है। अगर आपने मेहनत की और किसी के काम वो चीज़ नहीं आई तो मुझे नहीं लगता वो वर्थ है। तो भैया आप लोगों को बताना चाहूँगा स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करो, ये जो स्ट्रैटेजी बनाई है यार यूज़ करो, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत काम की है और बहुत मेहनत लगी है सीरियसली। तो यार एक लाइक तो भी कर दो यार वीडियो को, चैनल के साथ जुड़ जाओ, बहुत मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों में। तो यार बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, शेयर किया करो वीडियोस को, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था दैट फर्स्ट डे की आपके लिए बाइनरी ट्रेडिंग को बहुत आसान करूँगा एक दिन आने वाले टाइम में। मुझे लगता है अभी कुछ हद तक हम उस मुकाम पे पहुँचे हैं कि बाइनरी ट्रेडिंग में कुछ अभी कुछ लोग हैं जो अच्छे से यहाँ पे सक्सेसफुल हैं और पैसा कमा रहे हैं, और उस आंकड़े को मुझे बढ़ा के बहुत ज़्यादा करना है, डेफिनेटली वन डे विल डू दैट। सो गाइज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी और लाइक कमेंट शेयर आपने कर दिया होगा, चैनल पे जुड़ गए होंगे, नए होंगे तो टेलीग्राम पे आप जुड़ गए होंगे। तो मुलाकात करेंगे अच्छे से कंटेंट के साथ और अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।